वैसे तो दोस्तों आपको लग्जरी और चीपेस्ट ये चीज़ ना एक साथ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज जिस स्मार्ट वॉच के बारे में हम बात करें ना, वो यहाँ पर फायरबोल्ट की चीपेस्ट लग्जरी स्मार्ट वॉच है और इसका नाम भी ना उन्होंने यहाँ पर रख दिया भाई अल्टीमेट। तो प्राइस फायरबोल्ट ने रखा है वो रखा है भाई 1799 रुपये। यहाँ पर दो वेरियंट में लॉन्च हुई, तो एक यहाँ पर लेदर स्ट्रैप है और एक यहाँ पर स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप है। तो 1799 और 1999 भाई, मतलब कुछ टाइम पहले तक ना 2000 रुपये वाली स्मार्ट वॉच भी कॉलिंग स्मार्ट वॉच मिलना मुश्किल था, लेकिन अब आपको लग्जरी स्मार्ट वॉचेज मिल रही है 2000 के अंदर में। तो कैसी स्मार्ट वॉच है सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो ये इसके डब्बे हैं, देख सकते हो, जैसे भाई दो यहाँ पर वेरियंट्स में और इसमें से एक को मैंने पहना हुआ है। तो देख सकते हो ये जो वॉच है लेदर स्ट्रैप के साथ कुछ इस तरह से दिखती है। डेफिनेटली भाई यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है ना मेटल और जो इसकी लुक है वो काफ़ी बढ़िया है, जो इसका प्राइस है भाई 1799 रुपये। लेकिन उसके अलावा ना यहाँ पर ये जो वॉच है स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ भी आती है और देख सकते हो इसकी लुक भाई बहुत ही तगड़ी लग रही है। यहाँ पर मेरे पास गोल्ड कलर में और यहाँ पर इसके जो फीचर्स वगैरह लिखे हैं, तो 1.39 इंच का डिस्प्ले है, ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जल्दी से इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो वॉच है देख सकते हो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आ रही है, तो मैं निकाल लेता हूँ इसको। और ये जो वॉच है भाई गोल्ड कलर में देख सकते हो भाई पूरी स्टेनलेस स्टील आपको बॉडी मिलती है और जैसे मतलब भाई इसका प्राइस सिर्फ 2000 रुपये, तो उसके हिसाब से भाई बहुत ही यहाँ पर मुझे सही चीज़ लगी है। एक बार इसको साइड में रखते हैं और बाकी जो मैं बॉक्सिंग कंटेंट दिखाता हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलती है कनेक्टर पिन वाली और हमेशा की तरह बहुत सारे यहाँ पर जो कार्ड सब्सक्रिप्शन प्लान डॉक्यूमेंट और यूजर मैनुअल है। तो ये तो बात हुई भाई बॉक्स कंटेंट के बारे में, लेकिन अब आते हैं भाई स्मार्ट वॉच की तरफ। तो सबसे पहले इस वॉच के ऊपर एक स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, तो उसको मैं वैसे हटा देता हूँ। तो चेन पे भी पूरी पन्नी वगैरह चढ़ी हुई है ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना लगे, तो इसको भी जल्दी से हटा देते हैं। तो ये रही हमारी फायरबोल्ट अल्टीमेट और देख सकते हो यहाँ पर आपको जो पूरी मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिलती है स्टेनलेस स्टील, यहाँ पर आपको स्ट्रैप मिलेंगे। स्ट्रैप्स की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, मतलब जिस हिसाब से इसका प्राइस है ना उसके हिसाब से यहाँ पर मतलब आपको ठीक ठाक सी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। थोड़ी बहुत जैसा आप सुन रहे हो ना तो आवाज़ वगैरह करती है, लेकिन जो इसका प्राइस है तो उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा मैं कंप्लेन करूँगा। मतलब बहुत हैवी चेन नहीं है, थोड़ी सी पतली सी चेन है। बाकी यहाँ पर दो बटन हैं, तो एक यहाँ पर क्राउन है और एक यहाँ पर ये शॉर्टकट बटन है और पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर। तो ठीक है, मतलब 2000 रुपये की स्मार्ट वॉच है, तो उसके हिसाब से आपको अगर इस तरह की जो लुक चाहिए स्मार्ट वॉच में, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और यहाँ पर स्मार्ट वॉच मिलेगी, तो दिखने में तो काफी सही है। लेकिन इसके अलावा जैसा था यहाँ पर आपको एक लेदर स्ट्रैप वाली स्मार्ट वॉच भी मिलती है इसमें, जिसका प्राइस इससे भी कम है। और ये वाली ना कुछ इस तरह से दिखती है, मुझे इसकी पर्सनली लुक काफी सही लगी। यहाँ पर आपको मेटल जो ब्रश मेटल यहाँ पर जो लुक रहेगी पीछे की तरफ देख सकते हो, और जो स्ट्रैप्स हैं यहाँ पर इनकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है। ऊपर से यहाँ पर ये लेदर स्ट्रैप है, पीछे की तरफ से सिलिकॉन है, तो सेमी लेदर टाइप ही बोल सकते हैं इसको। लेकिन दिखने में ये वॉच भी मुझे काफ़ी सही लगी है और यहाँ पर ये कुछ दो इसके वेरिएंट्स हैं। लेकिन अब जल्दी से ना इस वॉच के जो फीचर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसा दोस्तों लेदर स्ट्रैप वाली ऑलरेडी यहाँ पर ऑन है, तो इसमें आपको यहाँ पर 1.39 इंच का यहाँ पर सर्कुलर डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये जो डिस्प्ले है एक LCD डिस्प्ले है, तो यहाँ पर क्वालिटी वगैरह मैं बोलूँगा ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो ब्राइटनेस वगैरह है वो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफी सफिशिएंट है, देख सकते हो बिल्कुल ही मैंने कम कर रखी थी ब्राइटनेस। तो उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है इसकी। बाकी बजट स्मार्ट वॉच है, तो इसमें आपको यहाँ पर जो मेजर सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं जो बजट स्मार्ट वॉच में रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर नीचे से स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ये कोई टॉगल बटन रहते हैं। और यहाँ पर जो वॉच फेस चेंज करना, तो उसकी स्क्रीन को होल्ड करके आप यहाँ पर वॉच फेस लगा सकते हो और यहाँ पर आपको 8-9 वॉच फेसेस इनबिल्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे देख सकते हो इस वॉच फेस के साथ इसके जो बेजल्स वगैरह का आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे बेजल वगैरह ना यहाँ पर पता नहीं लग रहे इतने, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बोलूँगा कि दिखने में वॉच काफ़ी सही लग रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर शॉर्टकट कार्ड है, तो यहाँ पर एक्टिविटी वाले ऑप्शन है, स्लीप ट्रैकिंग है, हार्ट रेट, BP, SPO2 का ऑप्शन आपको एक ही साथ मिल जाता है। किसी भी टैप करोगे ना तो और यहाँ पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। नेक्स्ट टैप करोगे तो फोन कॉल के ऑप्शन है, AI वॉइस असिस्टेंट, वेदर की इन्फॉर्मेशन है और वेदर यहाँ पर आप नेक्स्ट 5 डेज का फोरकास्ट देख सकते हो। शटर कंट्रोल, सॉन्ग वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, ब्रीथ का ऑप्शन है। तो ये इसके भाई मतलब शॉर्टकट कार्ड है। लेकिन अब इसका जो मेन्यू है लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले स्टेप्स, स्लीप, हार्ट रेट, वर्कआउट, और इसमें आपको यहाँ पर आई थिंक 100 से भी ऊपर आपको जो वर्कआउट देखने को मिलते हैं देख सकते हो, बहुत सारे वर्कआउट हैं। प्लस के बटन में टैप करोगे तो और भी यहाँ पर जो कैटेगरीज रहती हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट्स में जाऊँगा तो भी देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड हैं। तो ये इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, SPO2, AI वॉइस असिस्टेंट, मैसेज, वेदर, शटर, प्लेयर, फोन कॉल, ब्रीथ, गेम्स भी मिलती हैं इसमें आपको दो। उसके अलावा फ्लैश लाइट सेटिंग में जाएंगे तो स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, मेन्यू व्यू, वाइब्रेशन, रिंग, तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो जैसा आपने देखा फीचर्स वगैरह यहाँ पर बजट स्मार्ट वॉच के हिसाब से काफ़ी अच्छे खासे मिल रहे हैं और दिखने में वॉच काफ़ी सही है। लेकिन एक फीचर मेरे ख्याल से यहाँ पर मिसिंग है जो मेरे को लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता स्टूडेंट्स के लिए, और वो कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर यहाँ पर नहीं है, वो होता तो थोड़ा सा और सही रहता, प्राइस मेरे को लगता है कि अच्छे से जस्टिफाई करती है वॉच वैसे। बाकी हाँ, इसमें ये जो शॉर्टकट बटन भी मिलता है ना, तो इसको प्रेस करते हो तो भी यहाँ पर ये जो वर्कआउट मेन्यू एक्सेस कर सकते हो आप।
लेकिन जैसा आप देख सकते हो पहनने के बाद ये जो वॉच है इसकी जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया दिख रही है ये वाली वॉच। लेकिन इसके अलावा ना स्टेनलेस स्टील वाली है ना, इसको मैं पहन के दिखा देता हूँ। वैसे जो स्टेनलेस स्टील वाली होती है ना उसको अपने रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, और इसके जो बॉक्स में ना टूल वगैरह नहीं एडजस्ट करने का, तो इसको आपको कहीं से बाहर से एडजस्ट कराना होगा। लेकिन पहनने के बाद इसकी जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। जैसा बताया भाई थोड़ी सी मेरे लिए लूज है, लेकिन इसकी इन हैंड लुक जैसा आप देखोगे कुछ इस तरह से रहेगी। सही लग रही है, मतलब अगर आपको इस तरह की वॉचेज आपको पसंद है और थोड़ी नॉर्मल जो लग्जरी वॉचेज से थोड़ी सी लाइट वेट है। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सी लुक ज्यादा अच्छी लग रही है, यहाँ पर ये जो गोल्डन लग्जरी स्टेनलेस स्टील वाली या फिर ये जो लेदर स्ट्रैप वाली, ये आप कमेंट करके बताओ। बाकी यहाँ पर इसका जो हार्ट रेट एसपी ऑटो उसको भी चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो हार्ट रेट है उसको मेजर करेंगे, और मैं अपने फिंगर पे एक ऑक्सीमीटर लगा लेता हूँ और इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, देखेंगे कितनी जो क्लोज रीडिंग्स रहती है। तो जैसा आप देखते हो यहाँ पर इस टाइम पर ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है 106 बीट पर मिनट, थोड़ी सी ज्यादा हो रखी है इस टाइम पे, और यहाँ पर वॉच में दिखा रहा है 105 बीट पर मिनट, 110 पहुंच गए भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर जो क्लोज सी रीडिंग्स देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो एसपी ऑटो का फीचर मिलता है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर बैक जाकर इस पर टैप कर देता हूँ और इसको भी हम इससे कंपेयर कर लेंगे कितना यहाँ पर क्लोज रीडिंग्स रहती हैं। तो देख सकते हो इस टाइम पे वॉच में दिखा रहा है यहाँ पर 97% और यहाँ पर ऑक्सीमीटर में भी इस टाइम पे 96% 97% के आसपास ही दिखा रहा था, लेकिन देख सकते हो क्लोज रीडिंग है। लेकिन एक चीज बोलना पड़ेगा कि इस वॉच में आपको यहाँ पर ग्रीन सेंसर ही मिलता है, यहाँ पर रेड सेंसर नहीं है। बट इस वॉच में आपको यहाँ पर जो वेयर डिटेक्शन वाला फीचर मिलता है, तो अगर आपने इस वॉच को नहीं पहना ना तो किसी तरह से कोई भी रीडिंग शो नहीं करता, तो एरर आता है। यहाँ पर टेबल वगैरह भी रखोगे तो भी यहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, तो ये अच्छी बात है। बाकी भाई बीपी वगैरह पे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वॉचेस पे ज्यादा रिलाय मत किया करो, क्योंकि यार ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं, तो अगर आप इनको यूज करना तो सिर्फ हेडल लेने के लिए यूज करना। लेकिन अब यहाँ पर इसमें जो कॉलिंग का फीचर मिलता है तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्पीकर का जो वॉल्यूम है जैसा आप सुन सकते हो काफी अच्छी खासी, काफी डिसेंट यहाँ पर जो इसके जो वॉल्यूम है काफी लाउड भी है। तो इंडोर हो आउटडोर हो आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं अभी काट देता हूँ कॉल। उसके अलावा माइक की क्वालिटी की बात करूं तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर फायरबोल्ट अल्टीमेट के माइक्रोफोन से, और माइक की क्वालिटी जैसा आप सुन ही सकते हो कुछ इस तरह से रहेगी। तो मुझे लगता है कि आराम से कॉल वगैरह लेनी तो ठीक है, आप ले सकते हो इस पर। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो वो आप कर दो जल्दी से। तो आपको कैसी लग रही है माइक की क्वालिटी वो आप कमेंट करके बताओ। बाकी कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, तो कॉलर का नाम आ रहा है, कॉल काट सकते हो उठा सकते हो। और ये जो वॉच है ना भाई वाइब्रेट कर रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से वाइब्रेट कर रही है वैसे। और यहाँ पर इसको मैं साइलेंट कर सकता हूँ, तो अभी यहाँ पर ये जो मैं कॉल उठा लेता हूँ, और उठाने के बाद देख सकते हो भाई कुछ ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो काट देते हैं इसे। बाकी एसएमएस नोटिफिकेशन बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से रहती है, तो मैसेज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर इमोजी का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन हिंदी टेक्स्ट का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल ये है भाई फायरबोल्ट अल्टीमेट, और डेफिनेटली भाई अल्टीमेट प्राइसिंग है इसकी। तो 2000 रुपये में यहाँ पर ये जो आपको लग्जरी स्मार्ट वॉच इस टाइम पर मिल रही है, जो कि मुझे लगता है भाई बहुत ही सही है। बाकी ये जो लेदर स्ट्रैप वाली है वो उससे भी सस्ती में मिलेगी आपको 1799 रुपये में। तो मुझे लगता है कि भाई जो इनका प्राइस है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी स्मार्ट वॉच है। फीचर्स वगैरह भी मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं। कैलकुलेटर वगैरह होता तो थोड़ा सा और बेटर रहता। बाकी IP68 की रेटिंग आपको इन वॉचेज में मिलती है, और यहाँ पर वही 2-3 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा विद कॉलिंग। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो वॉचेज है ना एक तरह से वैल्यू फॉर मनी है, अगर आपको इस तरह की जो लुक पसंद है स्मार्ट वॉचेज में। और मुझे तो यार ये लेदर स्ट्रैप वाली काफ़ी बढ़िया लगी लुक। तो आपको कैसी लगी ये फायरबोल्ट अल्टीमेट? और अगर आप इन वॉचेस को खरीदना होगा तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको